कोशिश करना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि मुलाजिम जो है वो हमारे नाम पे ना हो, ताकि जब तनख्वाह का मसला हो तो हमारे गले ना हो। हम होटल का बिजनेस करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि सप्लायर्स को हमारे नाम पर ना हो और वो चाहे कि यानी कि उसमें भी प्रॉब्लम ना हो। सर हम तीनों होटल का बिजनेस करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो लोन है वो हमारे नाम पर ना हो, ताकि जब पे ऑफ करने के टाइम आए तो हमारे साइड पर वो लायबिलिटी ना हो। आप चाहते हैं, हम लोग आप ही चाहते हैं कि नौकर आपके नाम पे ना हो, सप्लायर आपके नाम पे ना हो और लोन आपके नाम पे ना हो, ना किसी और के नाम पे, ताकि कल आपको कारोबार बंद हो जाए तो आप किससे नहीं, ये चाहते हैं। तो आप लोग ऐसा करें, होटल खोलिए लेकिन अब उसकी जो लीगल शक्ल है वो आप कंपनी बनाइए, होटल खोलिए लेकिन लीगल शक्ल कंपनी दीजिए, क्योंकि कंपनी केस में कंपनी जिम्मेदार होती है, मालिक जिम्मेदार नहीं। इसलिए आप लोग कंपनी खोलने पार्टनरशिप फॉर्म नहीं खोलिएगा, समझ में आ गया? थैंक यू। हम लोग आपसे एक मशवरा लेना चाहते हैं, यानी कि हम तीन लोग हम लोग एक होटल खोलना चाहते हैं और होटल के जो हम एम्प्लॉयज लेना चाहते हैं उनकी जिम्मेदारी भी हम खुद लेना चाहते हैं कि हम ही उनको पे ऑफ करें। हम होटल खोलना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो सप्लायर हो वो हमारे नाम हो, जो भी होगा उसका जिम्मेदार भी हम ही होंगे। हम लोन का जो है जिम्मेदार हम बैंक से लोन लेंगे, आप तीनों जिम्मेदार होंगे। नौकरों से कहा गया आप तीनों जिम्मेदार होना चाहना चाहती हैं, सप्लायर क्या तीनों जिम्मेदार होना चाहते हैं, नौकरों के भी जिम्मेदार आप लोग हैं, सप्लायर भी जिम्मेदार हैं और बैंक के लोन के जिम्मेदार आप लोग हैं। इसलिए आप ऐसा करें, आप लोग कंपनी की बजाय होटल तो खोलें लेकिन लीगल जो है शक्ल उसको फर्क दें, यदि आप पार्टनरशिप फॉर्म खोलें तो इसलिए कि आप जिम्मेदारी लेने के लिए आगे एक आपको खुशखबरी बता दूँ कि आप जो फर्म खोलेंगे तो फर्म के ऊपर द्वारा टैक्स कम देती है। वो लोग कंपनी खोल रहे हैं, कंपनी के अंदर फायदा तो बहुत है, हर चीज़ से बच रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर टैक्स जो है वो डबल लगेगा।